होते हैं, एक वे जो हम बंद आंखों से देखते हैं और दूसरे वे जो हम खुली आंखों से देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने तो कहा भी है कि सपने वे नहीं होते जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। जो खुली आंखों से सपने देखते हैं और जो इन खुली आंखों के सपनों को सच करने के लिए अपनी नींद को त्याग देते हैं, वास्तव में वही इतिहास रच देते हैं। इसीलिए सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करने पर लग जाइए। हम सभी के कुछ सपने होते हैं, हमारी आकांक्षाएं होती हैं कि हमें जीवन में यह प्राप्त करना है, हमें जीवन में कुछ बनना है। उनमें से वे लोग जो खुली आंखों से सपने देखकर उन्हें मेहनत करने के लिए लग जाते हैं, वे तो कुछ बन जाते हैं, मगर वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने सफर को अधूरा छोड़ देते हैं और वे ड्रीम बस्टर्स से डर जाते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी ड्रीम बस्टर्स के बारे में कि किस तरह से जो ड्रीम बस्टर्स हैं वे हमारे सपनों को कुचल देते हैं और हमारे सपनों को नष्ट कर देते हैं, और यह भी बात करूंगी कि हमें ड्रीम बस्टर से किस तरह दूर रहना चाहिए। ड्रीम बस्टर्स वे होते हैं जो आपके सपनों को घोटने का काम करते हैं और वे आपके साथ निगेटिव तरह की बातें करते हैं कि आप तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। ड्रीम बस्टर्स वे होते हैं जब भी आप उनसे अपने सपने की बात करें तो वे आपको बोलते हैं, अरे नहीं नहीं तुम तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन ड्रीम बस्टर्स की बातों को सच मान लेते हैं और अपने सपनों को ही बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आप अपने सपनों को ड्रीम बस्टर्स के कहने से छोड़ देंगे तो दर्द तो वहां पर भी होगा, और अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे तो दर्द वहां पर भी होगा, क्योंकि अपने सपने को पूरा करते हुए कई बार ऐसी मुश्किलें आएंगी जब आपको लगेगा कि सब छोड़ दें, मगर नहीं, अगर आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सपने को सच कर लेंगे। मैं आपको हैमर के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से हैमर ने अपने ड्रीम बस्टर्स को कड़ा जवाब दिया और करारा जवाब देकर किस तरह से वे विश्व के एक शक्तिशाली रैपर्स बन गए। हैमर को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था। उनके घर में उतनी सुविधाएं नहीं थी और वे हमेशा अपने फ्रेंड्स के सामने और जो भी उनके नजदीकी लोग मिल जाया करते थे उन सभी के सामने वे यही कहते थे कि उन्हें तो बड़ा होकर एक बहुत ही फेमस रैपर आर्टिस्ट बनना है। जब वे ऐसा कहते तो ड्रीम बस्टर्स तुरंत उनके सामने आते, उनका गला घोंटते हुए कहते, अरे तुमने अपनी औकात देखी है, तुम 7 जन्मों में भी रैपर आर्टिस्ट नहीं बन सकते। मगर हैमर हमेशा उनकी बात का मुस्कुरा कर जवाब देते और बोलते, देखते हैं, यह तो वक्त ही बताएगा। जब भी हैमर को समय मिलता वे अपनी कला को निखारते रहते और उसको तरह तरह से इनोवेटिव तरीके से करते रहते। एक बार वे ऑकलैंड स्टेडियम में पहुंचे, वहां पर कोई मैच चल रहा था, वहां पर उन्होंने अपना नृत्य करना शुरू कर दिया। उस समय वहां पर स्टेडियम में उनके जानकार और संबंधी भी थे। उन्होंने देखा कि जो ऑकलैंड स्टेडियम में मौजूद दर्शक थे उन्होंने वहां पर उनके सामने रुपए डाले और वे आगे बढ़ते चले, तो कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये देखा है मत, हम नहीं बोलते थे कि तुम जीवन में कभी भी महान रैपर आर्टिस्ट नहीं बन सकते, लोगों ने तो तुम्हें भिखारी समझकर पैसे डालने शुरू कर दिए। हैमर मुस्कुराते हुए बोले, यह तो आपका सोचना है, मैं तो इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि उन्हें मेरी कला पसंद आई और उन्होंने पुरस्कार स्वरूप मुझे ये कुछ रुपए दिए। यह तो आपका सोचना है, और इसी तरह से वे आगे बढ़ते रहे और आखिरकार वे एक महान सफल रैपर आर्टिस्ट बन गए और उनका नाम फोर्ब्स ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में रखा, और वही लोग जो उनका मजाक उड़ाया करते थे उनकी कंपनी में कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से जो एमसी हैमर थे उन्होंने ड्रीम बस्टर्स की बातों की परवाह नहीं की और धुन से खुली आंखों से सपने देखते हुए अपने सफर पर आगे बढ़ते रहे और आखिरकार उन्होंने अपने सपने को पूरा कर ही लिया। ड्रीम बस्टर से दूर रहें अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों। विली जॉली अपनी फेमस बुक द मैग्निफिशेंट मोटिवेशन मिनट में लिखते हैं कि कभी भी उन लोगों की बात ना सुने, उनके साथ ना उठे बैठे, उनके साथ ना रहें जो नहीं कर सकते कहते हैं, वे आपके सपनों की हत्या कर देंगे। इसीलिए आप हमेशा अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। आप जानते हैं ड्रीम बस्टर्स में कई बार हम अपने ड्रीम बस्टर्स खुद भी होते हैं, क्योंकि हम अपने आप ही कई बार बोलते हैं, नहीं नहीं मुझसे तो यह हो ही नहीं सकता। ड्रीम बस्टर्स 5 तरह के होते हैं। पहला तो हम खुद,
और दूसरा निगेटिव लोग या छोटी सोच वाले जो बात बात में कहते हैं तुम तो यह कर ही नहीं सकते। और हम खुद इस तरह से होते हैं कि जब भी हम कोई काम करते हैं और अगर असफल हो जाते हैं तो अपने आप ही हम संदेह के घेरे में ले लेते हैं खुद को और सोचते हैं कि यह तो हम कर ही नहीं सकते, और बस उसी क्षण हम ड्रीम बस्टर्स बनकर अपने सपनों का गला घोंट देते हैं। इसी तरह से जो डर है, कई बार डर भी ड्रीम बस्टर्स का काम करते हैं। जब आप किसी काम को कर रहे हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो और वहां पर आपको डर लगने लगे, आप पीछे हो जाएं, तो आपके जो सपने हैं वे वहीं दम तोड़ देते हैं। इसी तरह से चिंता, अगर आप चिंतित हैं किसी भी बात के लिए, चिंता भी ड्रीम बस्टर्स का काम करती है। वह आपके सपनों को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं देती, आपके सपनों को जो चिंता है उड़ान भरने का अवसर नहीं देती। इसीलिए चिंता से दूर रहे। जो आखिरी ड्रीम बस हमारे अंदर विश्वास की कमी, विश्वास की कमी के कारण भी कई बार हमें लगता है कि हम आगे तक नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें और चुनौतियों का सामना करें। कभी भी नेगेटिव लोगों की बातों को ना सुने और अपने काम पर आगे बढ़ते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों, आप आसमान में खुली उड़ान भरें, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन 5 ड्रीम बस्टर से दूर रहना होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का विषय पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए विषय के साथ।